दूसरे घर में बच्चों को फोन दे दिया गया है, क्यों? क्योंकि माँ बाप के पास में भी टाइम नहीं है, या तो वो अपने काम में बिजी है, दोनों वर्किंग है, अपने काम में बिजी है, फिर जब काम से थक करके घर में आए तो अपने फोन में बिजी है, वो खुद भी एडिक्ट है, तो उनके लिए बच्चा डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो बच्चे से पीछे छुड़ाने के लिए उन्होंने फोन दे दिया, तो बच्चा बचपन से ही एडिक्ट हो गया, छोटी सी एज से, मान लो 4-5 साल की एज से, और वो जब बच्चा 4-5 साल से 20 साल की एज तक पहुंचेगा तो उसका क्या हाल होने वाला है? That's why I told you कि तीन अगर जनरेशन देखें टेक्नोलॉजी की, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड देन स्मार्टफोन. सो डेस्कटॉप वाली जनरेशन में कितने परसेंटेज प्रॉब्लम्स थी सर्वाइकल? हार्डली, बहुत कम, बहुत कम. लैपटॉप में बहुत ज्यादा बढ़ गई, बढ़ गई. स्मार्टफोन पे बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसका एक ही कारण है ना, बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया और हमारे नेक का एंगल बहुत ज्यादा बढ़ गया और ज्यादा खराब, सिंपल पोस्चर और ज्यादा खराब, कि जितना आपका नेक बेंड करोगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ता रहेगा और इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल आप आई लेवल पे करते हो स्मार्टफोन, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, राइट. So, इसके ऐसे तो कोई नहीं करता, हाँ, और ऐसे ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा. एग्जैक्टली. या फिर आपको यहाँ कुछ जगह चाहिए जहाँ पे आप रख सको और फिर ऐसे खड़े होकर के या कोई पोस्चर बना के फिर आप कर सको, बट खड़े भी कितनी देर तक. बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, सो व्हिच आई हैव आल्सो प्रैक्टिस, तो अदरवाइज तो अभी सॉल्यूशन पे आते हैं. हाँ जी, अभी पहले प्रॉब्लम को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं. तो अब जब आप कह रहे हो कि ये जो स्टिफनेस होगी नेक के लेवल पे प्रेशर बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से पूरा स्पाइन पे इफेक्ट आएगा, और क्या क्या इफेक्ट आएंगे? सो ये वाली जो मसल्स है ट्रेपीजियस मसल बोलते हैं उसे, सो ये ट्रेपीजियस मसल बहुत बड़ी मसल होती है. सो यहाँ से स्टार्ट होती है एंड देन इट गोज फ्रॉम शोल्डर टू ऐसे हमारे ईयर्स के पीछे. जब ये मसल्स टाइट होती हैं, ये वाली जो शोल्डर्स यहाँ पे जो पेन होता है, और ये पेन कैसे होता है? बिकॉज ऑफ ये एंगल अगर हम बढ़ता रहता है, जितना एंगल ये बढ़ेगा उतना ज्यादा यहाँ पे शोल्डर्स पे स्ट्रेन आएगा, समथिंग लाइक जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ठीक है. सो जब ये स्टिफनेस होती है तो यहाँ पे पेन होता है, तो आपको यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे इस एरिया में पेन होगा, आई बोन में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा. सो ऐसा नहीं है कि हमारी नेक पे ही प्रेशर आता है. सो अब देखो ना, स्पाइनल कॉर्ड हमारी यहाँ ब्रेन से स्टार्ट होता है, समथिंग लाइक पोनी टेल, ठीक है, यहाँ से पोनी टेल हमारी यहाँ तक नीचे चल जा रही है, टेल बोन तक. सो अगर आप यहाँ पे जस्ट इमेजिन इट्स ए पोनी टेल, अगर आप ऐसे उसको बेंड कर रहे हो और आपको क्या लगता है यहीं पे प्रेशर आ रहा है? यहाँ पे तो आ ही रहा है, लेकिन ये वाला भी तो स्ट्रेच हो ही रहा है ना, नीचे वाला पार्ट. सो दैट्स हाउ उनको लोअर बैक में भी चांसेस है उनको पेन होने के, आना ही है क्योंकि उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए और मसल्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, राइट. और प्लस वो पेन फिर हैमस्ट्रिंग तक भी जाएगा, बैक और पूरा नीचे तक जाएगा, या फिर ये कह लो कि हेड टू टो जाएगा, हेड टू टो जाता. तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ नेक की नेक तक है, अगर नेक से शुरू हुई सो इट तो प्रॉब्लम कैन ट्रैवल टू पूरा हेड टू टो जाएगा, जानी ही है क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है. तो अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या है, तो अब आपके हिसाब से इसका मोस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? मतलब अगर कोई स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहा है, इस कॉन्वर्सेशन को देख रहा है, उसको समझ आ गया है कि प्रॉब्लम छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है और वो बच नहीं सकता है, तो अब अगर वो कहता है कि उसके अंदर से आ रहा है कि नहीं मैं बचना चाहता हूं और वो सीरियस है, मान लेते हैं अभी भी जो लोग हमको देख रहे हैं उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो सीरियस इसको सुनेंगे, इसको देखेंगे, फिर जा करके वही करेंगे जो करते आए हैं, जो करते रहे हैं, बट 10% ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में सीरियस हैं और इस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को समझ पा रहे हैं एंड उनके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं हमें इससे बाहर निकलना है, वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम दिस एडिक्शन. तो अब क्या रास्ता है? सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज आई वुड से स्ट्रांगली व्हिच इज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, मतलब राइट फ्रॉम योर पोस्चर्स, राइट फ्रॉम वेयर यू आर सिटिंग और कहां पे. फॉर एग्जांपल अगर आप डाइनिंग टेबल पे हो और आपके पेरेंट्स हैं, आप सब बैठे हो, आप फोन पे लगे हुए हो और आप देख रहे हो, Nobody is talking to each other. अगर आप अवेयर ही नहीं हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मॉम डैड आपको कितनी बार टोकेंगे, आप फोर्थ टाइम आप उसको यू विल रेबेल. अरे बहुत केसेस में तो मैंने देखा मॉम डैड खुद फोन पे है, मार भी देते हैं, बच्चे मार देते हैं उनका जो प्रॉब्लम्स आ रही है. सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया इन द सेंस कि अच्छा माँ बाप बच्चों को मारते हैं. नहीं नहीं उल्टा, बच्चे माँ बाप को मारते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन गेम्स, पबजी एंड ऑल दैट. ये मैंने सुना है बहुत सारे, हाँ, कि बच्चे इतने एग्रेसिव होते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम गेम्स एंड ऑल, कि वो एग्रेशन कई बार माँ बाप के ऊपर निकल जाता है. सो अगर आपने फोन छीनने की ट्राई करी तो उनसे वो लड़ाई करना, फिर उनको मारना, टैंट्रम्स एंड टैंट्रम, हाँ. सो इवन हाथ उठा देते हैं, हाथ तो कईयों ने उठा दिया, एक ने तो अपने माँ बाप को, डैड को, आई गेस डैड को मार दिया, मैं भी तो डैड हूँ. सो डैड डेड,
So you'll be seeing, मतलब, you will hear some more interesting जब आप psychologist के साथ करोगे ना. So I have all those stories. तो अब अगर posture point of view से, अगर हम simply body के point of view से बात करें, जिस field में आप expert हो, तो body point of view से हमारे पास में क्या solution? आप कह रहे हो और aware हो जाओ. Similarly, अगर आप दो बहुत सारे scenarios बताऊँ जहाँ पे you are aware, जैसे अब हम ओला उबर में जाते हैं तो पीछे हम scroll करते रहते हैं, so which is very dangerous. जब भी आप अगर वॉक करते करते स्क्रॉल कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, द चांसेस आर हायर आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे. मतलब जब भी आप मोशन में हो, मोशन में हो, अवॉइड अवॉइड करना, जस्ट टू प्रिवेंट द, एक तो वन इज सेफ्टी, आप गिरने के चांसेस हैं, दूसरा सेफ्टी है कि आपका चक्कर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. वो जो डिजीनेस है, वो डिजीनेस आपके बढ़ कर गया. राइट, अगर आप बैठ करके भी यूज कर रहे हो तो पोस्चर क्या होना चाहिए? दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारी नेक स्ट्रेट रखनी है, ठीक है, और हमारे हैंड्स क्लोजर होने चाहिए, जिसलिए इसलिए आर्मरेस्ट होते हैं ना, यहाँ पे आर्मरेस्ट रिलैक्स कर लो. Okay. जितना ही पास में रहेंगे उतना रिलैक्स. सो दो चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, नेक हैज स्ट्रेट, हैज टू बी स्ट्रेट, स्ट्रेट और अलाइंड विद योर ईयर शोल्डर के ऊपर होना चाहिए. सिंपल, आइडियली ये ऐसे होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत ऐसे भी नहीं, बीच में कहीं पर रिलैक्स एक पोस्चर होना चाहिए. नॉर्मली भी आपका ऐसे ही हो जाएगा किसी का भी, आई मीन जिसको अगर पता ही नहीं होगा, अगर टेस्ट करें, सो इसका एक सिंपल सेल्फ टेस्ट भी है, दीवार के अगेंस्ट खड़े होकर आप अगर आपका हेड टच कर रहा है तो ठीक है, अगर आपका हेड टच नहीं कर रहा है इसका मतलब यू हैव अ फॉरवर्ड हेड शॉट. अच्छा, तो आपका पोस्चर ऑलरेडी खराब हो चुका है. ठीक है, तो अब अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको करना है, तो क्या पोस्चर होगा आपका? राइट, अगर मैं इस सोफे पे बैठा हूँ, ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं. हाँ, ये बिल्कुल ही गलत है. ठीक है, सो इसमें दोनों डेविएट हो गए. सो इसमें क्या कर रहे हैं, हैंड इज रेस्टेड, ठीक है, नेक इज रेस्टेड, और हम इजिली आप यूज कर सकते हो. एक हैंड से यूज फोन को पकड़ो और दूसरे हैंड से यूज करो, बिकॉज थंब इज द मोस्ट अनस्टेबल. एक से यूज मत करो, जैसे लोग नॉर्मली करते हैं, एक से ऐसे ऐसे ऐसे, ये मत करो. व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक से पकड़ो और दूसरे से यूज करो, उसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि व्हिच इज स्मार्टफोन, ये थंब इज मोस्ट अनस्टेबल ज्वाइंट. जब भी आप रिपीटेटिव करोगे, सो दीज आर ऑल नोन एज RSI, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज. ओके, जब भी आप रिपीटेटिव ये करते हो, स्क्रॉलिंग या कुछ भी, पबजी, कोई भी गेम्स, जो सबवे था, सो आप ये टेंडन यहाँ पे अटैच होता है, विच कॉजेज स्ट्रेन यहाँ पे फिंगर्स, यहाँ पे टेंडन पे आपको इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है जब आप रिपीटेटिव यूज करते हो. उसकी वजह से इतना ज्यादा सिवियर होता है, आपको थंब स्पाइक का लगाना पड़ता है, आपको थंब स्टेबल करना पड़ता है, एंड देन इट टेक्स 1 or 2 months ठीक होने में. कुछ लोगों को देखा यहाँ पे स्वेलिंग सी हो जाती है, वो इसी वजह से, एंड इट्स वेरी वेरी सीरियस, वेरी पेनफुल. अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम थी, सॉरी मैं भूल गया, टेनिस एल्बो भी एक प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव यूज. प्रॉब्लम्स तो वैसे देखा जाए लिमिटेड है, या क्योंकि सारी इंटरकनेक्टेड है, मोस्टली इंटरकनेक्टेड. और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऐसे यूज कर सकते हो. ओके, सिंपल, बट इसमें फिर वही प्रॉब्लम होगी, एक हाथ से कर रहे हैं, ज्यादा देर यूज नहीं कर सकते, राइट. So ideal duration of using the smartphone is 20 minutes at any given point of time. We should not use it for more than 20 minutes at a stretch. At a stretch. अच्छा, जो ऐसा होता नहीं है. क्योंकि एक दो घंटे तो कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं लगता है, एक बार जब कोई उसके अंदर चला जाता है तो. अच्छा, एक और भी एक आप बात बताइए, मैंने वैसे ऐसी कुछ चीजें देखी है कि उसमें क्या होता है कि एक आजकल स्टैंड आ गए हैं, वो फ्लेक्सीबल स्टैंड होते हैं, कि उसको आपने टेबल में या कहीं पे भी लगा दिया और यहाँ पे आ गया आपका मोबाइल फोन. आई थिंक दैट्स अ गुड इनफ पोस्चर, राइट? अगर आप कुछ देख रहे हैं, मान लीजिए अपने मोबाइल फोन में या कहीं पे भी, तो उस वक्त क्या पोस्चर होना चाहिए? सी, सिंपल, दो ही रूल है, हैंड हैज टू बी रिलैक्स्ड, नेक हैज टू बी स्ट्रेट, व्हाटएवर पोस्चर में भी. ठीक है, सो दैट्स हाउ जो हमारी कार की ड्राइविंग सीट है वो भी ऐसे होना चाहिए, स्टीयरिंग एंड यू आर वॉकिंग, आई मीन स्ट्रेट. अगर हमारा नेक ना नीचे होना चाहिए, नेक हैज टू बी स्ट्रेट, ऊपर होना चाहिए, एग्जैक्टली, इट हैज टू बी स्ट्रेट, और लीन फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अंदर की तरफ होना चाहिए, और आई लेवल पे होना, आई लेवल पे होना चाहिए. ठीक है, जैसे काफी बार लोग लेते हैं, यहाँ पे आपका सोफा है एंड टीवी यहाँ पे है, तो आपका ये गया. सो आइडियली आप टीवी को हटा नहीं सकते, विच इज फिक्स्ड. आप क्या करो, सोफे के सामने और टीवी के सामने, इट हैज टू बी स्ट्रेट एंड इट हैज टू बी रिलैक्स्ड. रिलैक्स्ड, और वो हम अगर कोई भी बंदा थोड़ा सा भी अवेयर है, वो करके भी देख सकता है बड़े आराम से, बहुत मतलब बड़े आराम से पता लग जाता है. अगर आप अपनी गर्दन को थोड़ी देर तक ऐसे रखोगे तो थोड़ी देर में यहाँ पे स्ट्रेन आने लगेगा. एग्जैक्टली, तो कोई भी ऐसा एक पोस्चर होना चाहिए जहां पे आप पूरी तरह से कंफर्टेबल फील कर रहे हो, फिर उसको यूज करना है, अगर यूज करना भी है करना है तो.